गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे हेयर वी विल डिस्कस अबाउट ओवर विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारी लेक्चर्स होती है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में होती है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि GIT का फंक्शन क्या होते हैं, GIT के शॉर्ट इंट्रो के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे GIT के फॉर्मेशन के बारे में, वॉल ऑफ GIT, और इसी के साथ GIT के कुछ तथ्यों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे GIT का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे GIT का निर्माण होता है, वो दो तरीके के ऑर्गनों से मिलकर होता है। एक हमारा GIT का निर्माण होता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, और जो दूसरा होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि वो सारे ऑर्गन जहाँ पे हमारा जो भोजन है वो एक्चुअल में वास्तव में डाइजेस्ट होता है, और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब उन सारे भोजन को पचाने में जो दूसरे ऑर्गन हमारी मदद करते हैं उन्हें हम लोग एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें हमारा माउथ, फायरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल डाइजेशन है वो यहाँ पे होता है। और इस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ हमारे जो सेकेंडरी या एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो है हमारे टिथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। ये सारी चीज़ें हमारे जो पाचन है, हमारा जो भोजन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं वॉल ऑफ GIT, जो हमारी GIT की वॉल है वो कैसे बनी हुई है। जैसे ये हमारा रूम है या जहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर रहे हो, उसमें भी चार प्रकार की वॉल होती हैं या चार दीवारें होती हैं और उसमें आप बैठ के स्टडी कर रहे हो। वैसे ही हमारा जो ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी भी वॉल होती हैं, उसमें चार प्रकार की वॉल होती हैं, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलरिस लेयर, सीरोसा एंड फाइब्रस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं म्यूकस लेयर की। म्यूकस लेयर किसे कहते हैं? जो म्यूकस लेयर होती है, जो हमारी वॉल ऑफ GIT है उसकी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, अगर हम लोग इनसाइड टू आउट देखें तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं म्यूकस लेयर। ये हमारी म्यूकस लेयर है। ये क्या हुई? इनर मोस्ट लेयर, जो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम लोग म्यूकस लेयर कहते हैं, और भी इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है म्यूकस लेयर, मतलब कि कुछ म्यूकस जैसी बात हो रही है। आप लोगों ने कभी बहुत हॉट टी पी होगी, हॉट कॉफ़ी पी होगी या हॉट वाटर, उस टाइम एक आपके माउथ में एक पपड़ी जैसा, कभी कभी छाले पड़ जाते हैं बहुत गर्म होने की वजह से, तो कभी कभी कुछ पपड़ी जैसा वहाँ पे निकलता है। तो वो जो पपड़ी होती है वही म्यूकस मेम्ब्रेन की जो वॉल होती है वही होती है। तो उसको, उसके लिए कभी कभी, बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जा रही है म्यूकस लेयर में, आपको छाले आ जा रहे हैं, आपको अल्सर बन जा रहा है, तो उस टाइम आपको एक कैप्सूल आता है बी कम्प्लेक्स का, उसको आप लोग यूज़ करोगे तो वो आप लोगों को वहाँ पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो बी कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारी म्यूकस लेयर को बनाता है। तो इस तरीके से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकस वाली जो लेयर की बात हो रही है उसको आप लोग म्यूकस मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, और जो दूसरी लेयर आती है इसको हम लोग सब म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, सब म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो सब म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। ब्लड वेजल्स यहाँ पे होती है, ये हमारी म्यूकस लेयर हुई, ये सब म्यूकस लेयर हुई, यहाँ पे हमारी ग्लैंड्स होंगी, ब्लड वेजल्स होंगी, जो सप्लाई करती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, रक्त की नलियाँ होती हैं वो होती हैं यहाँ पे, यहाँ पे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हिंदी में हम लोग ग्रंथियाँ कहते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम लोग तीसरी लेयर के बारे में बात करते हैं। जो तीसरी लेयर हमारी होती है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर हमारी ये वाली हुई, ये जो हमारी तीसरी लेयर है, मस्कुलर लेयर है, ये हमारी बनी होती है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। ऑल ओवर बॉडी की अगर हम लोग बात करें, जो हमारी बॉडी पूरी है वो तीन प्रकार की मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल।
तो हम लोग अगर स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल्स वो सारी मसल्स होती हैं जो हमारे बोन को कवर करती हैं, जिनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग वॉलेंट्री मसल कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब वो सारी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हो, फॉर एग्जांपल अपर आर्म्स की मसल और लोअर आर्म्स की मसल। हमें कोई ग्लास उठाना है, हमें पानी पीना है, तो ये हमारे कंट्रोल में काम कर रही हैं। और स्मूथ मसल्स, वो सारी मसल जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसे हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। जैसे हमारे स्टमक की मसल, हमने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद जब उसके डाइजेशन की बात आई तो हमने खुद नहीं चाहा कि हमारा जो स्टमक की मसल है वो काम करे और हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो। डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इनवॉलेंट्री मसल कहेंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारा मस्कुलर लेयर है, जो इसकी बात करें तो ये दो प्रकार से बनी होती है, हमारे जो GIT वॉल है। एक तो हमारी हुई स्केलेटल मसल और जो दूसरी मसल हुई वो स्मूथी। स्केलेटल मसल में हमारी लिप्स की मसल, चिक्स की मसल, फेरिंग्स की मसल आती है, ये इसको कवर करती है। और साथ ही साथ हम लोग स्मूथ मसल की बात करें तो हमारा एसोफेगस, हालांकि एसोफेगस में कुछ पार्ट जो होता है वो स्केलेटल मसल का भी होता है, क्योंकि हमारा फेरिंग्स ख़त्म होता है और एसोफेगस स्टार्ट होता है। सो दैट्स रीज़न हमारा जो एसोफेगस है यहाँ पे कुछ हमारे स्केलेटल मसल्स भी होती हैं, लेकिन मोस्टली स्मूथ मसल होती है। तो ये स्टार्ट होती है एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा जो फेरिंग्स के बाद अप टू द लार्ज इंटेस्टाइन हमारी जो होगी वो स्मूथ मसल्स की होगी। अब हमारी जो तीसरी लेयर आती है वो सीरस या फाइब्रस, इसको हम लोग सीरस या फाइब्रस कहते हैं। ये हमारी हो गई मस्कुलर लेयर और ये वाली हमारी हो गई सीरस या फाइब्रस लेयर। जो सीरस या ये जो लेयरें हैं ना, ये वाल की चार लेयरें हैं। जो पहली लेयर है म्यूकस लेयर, ये दूसरी लेयर है सब म्यूकस लेयर, ये तीसरी लेयर है मस्क्यूलेरिस लेयर, और ये जो चार नंबर पे है इसको हम लोग कहते हैं सीरस या फाइबरस लेयर। जो सीरस या फाइबरस लेयर है ये हमारे जो होती है, जो अगर हम लोग सीरस लेयर की बात करें तो इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सीरोसा, या इसी को हम लोग सीरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट कवर द स्टमक, ये हमारे स्टमक को कवर करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करती है। यानी कि जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन होगी या जो सीरस वाली लेयर होगी वो हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करेगी। और साथ ही साथ अगर हम लोग फाइब्रस लेयर की बात करें तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को फाइब्रोसा भी कहते हैं। और जो हमारी फाइब्रस लेयर है, यानी कि हमने बताया ना जो चार नंबर पे जो लेयर है वो सीरस की होगी या फाइब्रस की होगी, तो अगर वो सीरस वाली लेयर है तो वो स्टमक से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक कवर करेगी, और अगर हमारी वो फाइब्रस लेयर है तो वो हमारी कवर करेगी फारिंग्स को, एसोफेगस को, ये सारी चीज़ें हुई। तो इस तरीके से हमने जाना वॉल ऑफ GIT के वॉल के बारे में जाना। और यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो लेक्चर मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। और जो हमारी लेक्चर्स होती है इसमें बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग बीच बीच में बताते रहते हैं, तो जब हमारी लेक्चर स्टार्ट हो तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठो और चीज़ों को नोट करते रहो, जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको नोट कर लो और एक अच्छी सी नोट बताओ। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे तो शॉर्ट में पॉइंट होते हैं, ये भी बहुत आपको काम देंगे। अगर कुछ भी नहीं आपने नोट किया, कुछ भी नहीं जानते, तो इतना पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। तो ये सारी बातें हुई हमारे वॉल ऑफ GIT, और साथ ही साथ हमारे ऑर्गन्स जो है, जो फॉर्मेशन करते हैं, जो निर्माण करते हैं GIT का। तो इसी के साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू का सेकेंड पार्ट हुआ ये कम्प्लीट हुआ। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।